चलिए आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स का एक या दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन बनाए थे, जहाँ पर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट था और साथ में बैलेंस शीट देखे, वो भी वहाँ पर एडजस्टमेंट था लेकिन उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं था। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, है ना, दो चार एडजस्टमेंट रहेगा। तो कैसे एडजस्टमेंट के साथ में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जान लिए तो फिर समझो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, और इतना ही तक हम लोग को लास्ट में, लास्ट तक इतना ही तक पढ़ना है। तो देखिए हम क्वेश्चन 6 लेकर चलते हैं, जहाँ पर एडजस्टमेंट है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर कृष्णा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ साथ में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट भी साथ में बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर ईयर हो जाएगा जी, छोड़ देते ईयर को, ठीक है। यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, ये क्रेडिट अकाउंट्स है ये ना, पार्टिकुलर्स हो जाएगा, यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे पार्टिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं, दोनों का फॉर्मेट एक साथ बना लेना है, एज ऑन 31 मार्च 2022 जो भी डेट का होगा बना लेना है, चाहे 22 हो, 23, 24, जो भी लिखा रहे बुक में, ठीक है। यहाँ पे रुपीस हो जाएगा जी, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, यहाँ पे लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला देखिए आइटम है, हम बोले थे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको बना कर दिया हुआ है, ठीक है। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस का बाहर दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस अब देखेंगे तो दोनों साइड क्या इक्वल दिया हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस जो है दोनों साइड इक्वल है, अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस 2,17,600 और 2,17,600 दोनों साइड इक्वल अमाउंट है। तो ये भी यही आइटम को हम लोग को क्या करना है, ट्रीटमेंट कर देना है, ठीक है। डेबिट है तो डेबिट में ही करेंगे और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस रख रहा है, क्रेडिट बैलेंस रखता है, और एसेट्स कौन सा बैलेंस रखेगा, डेबिट बैलेंस रखेगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसको, यानी जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया उसको दो भाग में तोड़ के लिखना है, ठीक है। खर्च वाला से रिलेटेड रहेगा डेबिट में तो इसको हम डेबिट में इधर लिखेंगे, ठीक है। और यदि एसेट भी हमारा डेबिट बैलेंस रखता है तो एसेट वाला हम कहाँ लिखेंगे, एसेट पोर्शन में लिखेंगे। और लायबिलिटी वाला, जैसे लायबिलिटी अगर इनकम होता है तो मेरा प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट में चल जाएगा, और मेरा कोई लायबिलिटी, लायबिलिटी भी हमारा क्रेडिट बैलेंस रखता है, यानी वो लायबिलिटी एक तरह से ये यहाँ पर चल जाएगा, लायबिलिटी पोर्शन में चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो जैसे एडजस्टमेंट है उसको एडजस्टमेंट करते चल जाएंगे। देखिए जैसे कृष्णा का कैपिटल 60,000 है और वो क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल कहाँ जाता है, वो बैलेंस शीट में चल जाएगा कैपिटल, और कितना है 60,000 में। अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट को देखेंगे, है ना, एडजस्टमेंट में अगर देखेंगे तो कैपिटल पर
देखो क्लोजिंग स्टॉक है दिया हुआ, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, और अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट मिल रहा है? 5% मिल रहा है। एडजस्टमेंट कहा, हमेशा बताते हैं कि एडजस्टमेंट का दो जगह पे एंट्री होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट का एंट्री क्या कितना जगह पे होगा नीरज? दो जगह पे होगा, ठीक है, कहीं पर भी लेकिन दो जगह पे एंट्री होगा। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा देते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो बताइए कितना हो जाएगा जी? और आप लोग भी जानते हैं, जब आपको फॉर्मेट लिखाए थे तो याद होगा कि कैपिटल में इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ते हैं। 6 25 30 यानी 3,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कि 3,000 रुपया हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को लिखे हैं, तो ये 3,000 रुपया फिर कहाँ चल जाएगा? अगर हम लोग 3,000 यहाँ पर लिखे हैं तो 3,000 एक जगह पे एंट्री हो गया, और ये 3,000 फिर कहाँ चल जाएगा? हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चल जाएगा इंटरेस्ट। यहाँ पर इतना में बन जाएगा ट्रेडिंग क्या? तो इंटरेस्ट देखिए दोनों साइड हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए? दोनों साइड दो जगह पे ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। एक आपका लाइबिलिटी में चल गया और एक आपका खर्च हो गया, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या इंटरेस्ट देना खर्च होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 3,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में उतना लिखा गया तो उतना एसेट साइड में भी एक तरह से इधर भी लिखा गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, है ना। जितना मतलब आप देखिए बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि जितना आप लाइबिलिटी साइड लिखोगे बराबर दोनों को करना है, तो पहले से ट्रायल बैलेंस तो इक्वल है ही, पहले से बैलेंस शीट दोनों में इक्वल है ही। अगर सिर्फ अगर ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट का रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले से ट्रायल बैलेंस क्या इक्वल है। तो खाली वही आइटम को अगर हम दिखाना रहेगा जैसे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, दोनों ऑलरेडी अपने आप में इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट। तो निश्चित तौर पर बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वही आइटम को यहाँ पर दिखाना है डेबिट क्रेडिट में, तो दोनों इक्वल हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम समस्या आता कहाँ पर है? जब एडजस्टमेंट आता है। तो एडजस्टमेंट है इसीलिए उसको क्या है, दो जगह पे लिखा जाता है ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। अगर हम मान के चलो लाइबिलिटी साइड अगर हम बढ़ा रहे हैं अमाउंट, तो आपको एसेट साइड भी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप लाइबिलिटी साइड बढ़ा रहे हैं तो आपको एसेट साइड बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप एसेट साइड बढ़ा रहे हैं तो आपको लाइबिलिटी साइड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं हम जो है लाइबिलिटी साइड यहां पर 3,000 रुपये लिख दिए, और आपको पता है कि खर्च में लिख दिए 3,000, तो 3,000 समझो इधर क्या हो गया, घट गया। तो बात बराबर हो गया कि नहीं हो गया? 3,000 हम लाइबिलिटी साइड बढ़ाए तो हमको एसेट साइड भी 3,000 बढ़ाना चाहिए, तब इक्वल होता, क्योंकि ये तो ये जो 3,000 इंटरेस्ट है ये एक्स्ट्रा से एडजस्टमेंट किया जा रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो हम 3,000 को यहाँ प्लस किए। अब ये 3,000 को और कहाँ लिख दिए? आकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में लिख दिए। तो 3,000 इधर खर्च में लिख दिए, माइनस लिख दिए, तो क्या हुआ? ये घट गया। किधर घट गया? यानी आप कहते हैं ना कि लायबिलिटी साइड बढ़ाने के लिए किधर लिखा जाता है? ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। लायबिलिटी साइड अगर बढ़ाना है और घटाना है तो आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अगर इधर बढ़ाना है तो इधर कोई आइटम लिख दीजिए तो इधर बढ़ जाएगा, अगर कोई आइटम को इधर घटाना है तो किधर लिख दो? डेबिट साइड में लिख दो। तो हम 3,000 रुपया, मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। बाकी अगर आपको एक बोले नहीं कि दो तरीका से समझ आ जाता है, अभी हम एक कॉन्सेप्ट ये बोल रहे हैं, कॉन्सेप्टुअल बात बोल रहे हैं, और फिर नॉर्मली अगर ऐसे जानना है तो आप इतना जानते हैं कि कैपिटल पर इंटरेस्ट निकलता है तो इसको हम जोड़ देते हैं, कैपिटल पर इतना मिल गया तो इसको प्लस कर दिए, है ना। और एक खर्च हो गया तो खर्च के नाम से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्च हो गया, बस इतना ही बात खत्म हो गया। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो देखिए इक्वल बैलेंस शीट कब होगा, आप अगर इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा, इक्वल कब होगा कि हम क्या चीज किए हैं, 3,000 रुपये हम इधर प्लस किए हैं ना, तो फिर हमारा यहाँ खर्च के नाम से 3,000 इधर दिख गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इक्वल होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। आप पहले से अगर तरीका से सोच सोच कर एडजस्टमेंट करते जाएंगे तब,
ठीक है। चलो अच्छा, तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट हो गया जी। और ध्यान में रखना जहाँ जहाँ पर आपको फर्नीचर क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग दो जगह पे कर देंगे। देखिए अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की बात करिए तो देखिए ये भी एडजस्टमेंट में है ना, इसका दो जगह पे ट्रीटमेंट होगा। आपको क्या बोला गया था क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर है, होगा एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में 60,000 है ना, कितना है नहीं 25,000 है, कितना है 25,000। अब देखिए ये इधर लिख देने का मतलब क्या हो गया कि आपका इधर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, लायबिलिटी साइड इतना बढ़ गया क्योंकि ये वाला आइटम देखो यहां पर जुड़ता है इसे, यहां 25,000 आ गया, ये समझो इसे एग्जांपल 25,000 आ गया। अब ये 25,000 यहां पर ऐसे लिख दिए और ये नेट प्रॉफिट हो गया 25,000 है ना, और यही 25,000 यहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं प्लस करते कि नहीं, अभी आइटम आएगा तो नेट प्रॉफिट को यहां जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो अब समझिए कि ये लायबिलिटी साइड में जोड़ने और घटाने के लिए, मतलब बढ़ाने और घटाने के लिए, अगर इधर बढ़ाना है तो किधर लिखो क्रेडिट साइड, इधर घटाना है तो डेबिट साइड लिखो। ये मतलब एक बात बता रहे हैं कि कैसे इक्वल होता है, इसका क्या रिएक्शन होते रहता है, ठीक है। लेकिन एक आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, कॉन्सेप्ट की क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक किधर होता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में होता है, इनकम है ना वो बचा हुआ इतना है सामान। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक इधर हो गया, एक कहां पर एक एंट्री होगा आपका एसेट साइड में हो जाएगा, कहां पर होगा क्लोजिंग स्टॉक कहां पर हो जाएगा, एक एसेट साइड में हो जाएगा, कितना 25,000। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया जी, हो गया कि नहीं, लायबिलिटी साइड भी इतना बढ़ गया और एसेट साइड इतना बढ़ गया, तो इक्वल होगा ही होगा, बैलेंस शीट इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एडजस्टमेंट को सोच सोच कर ट्रीटमेंट करना है, आपका सही बनेगा। चलिए और हम लोग पढ़ते हैं आगे, तो ये एडजस्टमेंट वाला पढ़ दिए, ठीक है। दूसरा कृष्णा का कैपिटल हो गया, अब सीरियल से पढ़ते जा रहे हैं और आप लोग भी ट्रीटमेंट इसको करते जाएंगे। कृष्णा का कैपिटल हो गया जी, कैपिटल का एडजस्टमेंट था उसका कर दिए। सन्ड्री डेटर, देखिए डेटर आपका एसेट होता है ना, तो डेटर यहाँ पर आ जाएगा एसेट साइड में आ जाएगा, वो जहाँ है उसको वहीं पर लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट में ही लिख रहे हैं इसको 30,600। फिर सेंट ओ 660 है ना, चलिए फिर क्या सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी है जी, तो देखिए क्रेडिट में बैलेंस है तो क्रेडिट में ही लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है 24,400। नेक्स्ट क्या है ओपनिंग स्टॉक है, तो देखिए डेबिट में है तो यहां पर डेबिट में ही लिख दे रहे इसको, ओपनिंग स्टॉक कितना है 70,500। परचेस फिर कहां होता है, यहीं पे होता है परचेस, परचेस कितना है 64,000, रिटर्न भी होगा है ना, है रिटर्न, देखिए परचेज है रिटर्न आउटवर्ड 1,200, रिटर्न आउटवर्ड खाली रिटर्न लिख दे रहे, ठीक है 1,200। वो क्रेडिट पे बैलेंस है, ठीक है, तो आप उसको माइनस कर दिए तो वो आप माइनस करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। तो रिटर्न को माइनस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है परचेज रिटर्न ही होता है, 3 में 2 तो 1 और 4 में 1 तो 3, ठीक है, और 6 का 6 हो जाएगा। फिर क्या है जी, फिर है सेल्स है ना, फिर सेल्स है और सेल्स कहाँ क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स हो गया यहाँ पर, कितना सेल्स है 1,31,000, 1,31,500। फिर इसमें भी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न इसको बोल दीजिए, देखो वहीं पर आपको डेबिट में बैलेंस ही रहेगा सेल्स, रिटर्न इनवर्ड सामान आ गया वापस आ गया, जो हम बेचे थे वो इनवर्ड हो गया, और आउटवर्ड का मतलब जो हम बेचे थे है ना, जो हम परचेस किए थे उसको फिर हम क्या चीखे वापस कर दिए, तो आउटवर्ड हो गया
और इनवर्ट का मतलब जो हम बेचे थे वो फिर वापस आ गया, तो रिटर्न हो गया, इसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। 3200, 3200 माइनस करें कितना होगा, 5 में 2 तो 3, 11 में 3 तो 8, और 2 का 2 और 1, 1,28,300। आगे पढ़िए, सैलरी है ना, तो सैलरी कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कितना, 15,000। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी यहाँ चल जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना, 2800। नेक्स्ट बैड डेट, यहीं पर आ जाएगा बैड डेट, कितना बैड डेट है, 6,500। नेक्स्ट रेंट टैक्स, यहीं पर आ जाएगा, सब डेबिट में, बस जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका कोई टेंशन नहीं है, जो वहाँ पर है वहीं लिख दो। रेंट टैक्स डेबिट में है तो डेबिट बैलेंस लिखिए, कितना है, 7,310। नेक्स्ट ये भी यहीं पर आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 1,350। फिर डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट डेबिट में नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट में है, तो इनकम हो गया तो इसको क्रेडिट में ही लिख देंगे, डिस्काउंट समझो रिसीव्ड है, ठीक है, डिस्काउंट कितना, 50, 500 ना। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड है ना, यानी कैरेज आउटवर्ड ये कहाँ चल जाएगा, डेबिट में ना, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा ना, सामान बेचने के ऊपर खर्च है, कैरेज आउटवर्ड कितना, 5,120। फिर क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर तो एसेट होता है तो उसको यहाँ एसेट में लिख देंगे, फर्नीचर कितना है, 6,300। सही बोल रहे हैं ना, ठीक है, 6,300। अब देखिए, अब यहाँ समझ में फिर आएगा, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, एडजस्टमेंट में देखिए, पढ़े थे हम लोग को तो याद रखना है कि डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 का था उसका कर दिए, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% है, तो यदि फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन हो रहा है तो घटेगा ना वैल्यू, बताइए, अगर डेप्रिसिएशन 10% लग जाएगा तो कितना आएगा जी, 630 रुपया। 6,300 पर अगर 10% लगाएंगे तो 1010 630 रुपया हो जाएगा, तो इसको 630 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 0, 10 में 3 तो 7, और यहाँ पे 2 यानी 12 में 6 तो 6 और 5। आप बताइए कि पहले ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल था कि नहीं, उस दोनों साइड इक्वल था तो उसमें से अमाउंट एक जो लिखा हुआ था 6,300 का था वजन, अब उसमें वजन घट के कितना हो गया, 5,670 रुपया का वजन हो गया, तो बताइए कितना का घट गया वजन, 630 रुपया का वजन घट गया एसेट साइड में, यानी डेबिट साइड उतना का कम हो गया, तो जब उतना का डेबिट साइड घट गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट साइड भी तो उतना कम करना होगा, तो क्रेडिट साइड कम करने का मतलब किधर, लाइबिलिटी साइड भी उतना कम करना होगा, है ना, लाइबिलिटी साइड भी कितना से कम करना होगा, 630 रुपये से कम करना होगा, ठीक है, तो 630 पर कम करने के लिए कहाँ चल जाएंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट में चल जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो कम हो जाएगा, है ना, लाइबिलिटी में क्या हो गया, समझो यहाँ पर क्या हो गया, लाइबिलिटी में उतना कम हो गया, है कि नहीं, ये बात है, तो ये बात आपको कम बेसी वाला भी बता रहे हैं, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आप उतना नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो कि डेप्रिसिएशन को एक जगह 630 रुपये एडजस्टमेंट हो गया, और दूसरा डेप्रिसिएशन क्या आपके लिए खर्च है, तो खर्च कहाँ जाता है, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चल जाएगा, तो बस ऐसे सोचो, आपको दोनों तरीका से हम बता रहे हैं रिएक्ट करके भी,
है कि नहीं? अभी जो 630 रुपये कम हुआ है ना एसेट साइड में, तो 630 रुपये आपको इधर भी कम करना होगा ना क्रेडिट साइड में। तो देखिए ये इधर इनकम में से, ये इधर इनकम वाला कहाँ उठ के जाता है, यहीं पर जाता है ना। तो ये टोटल वाला इनकम में से सब घटा दिया जा रहा है कि नहीं, कम कर दिया जा रहा है। तो वही कम तो 630 रुपये भी और कम डाल दे रहे हैं, तो कम कर दिया कि नहीं। इधर वाला में जो बढ़ने वाला था इतना, जब बढ़ के जाता यहाँ पे उतना अमाउंट से क्या हो गया, कम हो गया, 630 रुपये यहाँ बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा कम करवा दिए डेप्रिसिएशन के नाम से। 630 रुपये कम हो गया, ये वाला अमाउंट ऐसे घूमता और नेट प्रॉफिट आता, नेट प्रॉफिट को यहाँ जोड़ते हैं। अब उतना ही नेट प्रॉफिट में जोड़ने वाला में से 630 रुपये को हम कम करवा दिए, तो हो गया बात बराबर। अब आगे देखो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का भी एडजस्टमेंट देखो। इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस है कि नहीं, है ना इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस देखो, ये कहाँ जाएगा इंश्योरेंस, यहां पर जाएगा। खर्च था कि नहीं, कितना इंश्योरेंस है, 600 नहीं 900 है। पहले तो उतना से है, वो डेबिट में है तो उतना से लिख दी, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ, यहां तक हम कुछ नहीं हुआ, यहां जैसे था जहां पर था डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस में उतना हम लिख दिए, ठीक है। लेकिन समस्या आता कि इंश्योरेंस का जो प्रीपेड इंश्योरेंस एक दिया हुआ है, देखिए है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपये, तो एक्स्ट्रा 100 रुपये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड मतलब क्या होता है, एडवांस, 100 रुपये इंश्योरेंस एडवांस था मेरा, तो अब हमारा एक्चुअल खर्च कितना होगा, प्रीपेड अगर इंश्योरेंस इसमें माइनस कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अगर हम 100 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल खर्च कितना हो गया, 800 रुपये ही इंश्योरेंस के ऊपर जा रहा है। तो बताइए आपको घटाना कितना था, यानी 900 रुपया इधर करना था और आप कितना कर दिए, 800 रुपया। तो बताइए क्या हो गया, 100 रुपया से, 100 रुपया से आपका क्या हो गया, मतलब ज़्यादा बढ़ गया ना। आपका घटाना कितना था, 900 रुपया, आप घटाए हो कितना, 800 किए हो। तो 100 रुपये से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं एसेट साइड में उतना, फिर उतना ही कर दिए, बात बराबर हो गया। यानी कहाँ लिख देंगे, एसेट्स साइड में, तो बात बराबर हो गया कि नहीं, बात बराबर हो गया। 100 रुपये लिख दिए इधर, हो गया बात बराबर। पहले 900 था डेबिट में, डेबिट यानी एसेट बैलेंस, इंश्योरेंस 900 रुपया था, और फिर हम यहाँ घटा दिए 100 रुपये और वहाँ 100 रुपये हम लिख दिए, बात बराबर हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका से कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होता है, प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड का मतलब एडवांस, तो एडवांस आपका क्या होता है, एसेट्स होता है, तो एसेट यानी एसेट साइड में चल जाएगा वो। और दूसरी बात है कि आपका खर्च कितना था, 900 रुपया था पहले, इंश्योरेंस का डेबिट बैलेंस कितना था, 900 रुपया, तो आपका 100 रुपया एडवांस दिया हुआ है, तो एक्चुअल खर्च कितना होगा, 2800 रुपया होगा ना। आप ऐसे समझ लीजिए दोनों तरीका से। अब आगे चलिए, ये कुछ अलग तरीका से हम बता रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधे नहीं, आपको रिएक्ट करके बता रहे हैं। फिर आगे क्या है जी, कैश इन हैंड, देखिए डेबिट बैलेंस है तो कैश इन हैंड कहाँ चल जाएगा, ये डेबिट में ही है, कैश इन हैंड कितना, 660 रुपया। फिर क्या है, वेजेस, खर्च है तो वेजेस कहाँ चल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना, 3000, 3000। अब देखिए एडजस्टमेंट में वाला पूरा एंट्री हो गया, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक को कर दिए, डेप्रिसिएशन को भी कर दिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं किए हुए हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट वाला भी हो गया। अब बताइए आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो कितना का है जी, 2500 का है, ये अलग एंट्री है, सब जहाँ जहाँ पर था ट्रीटमेंट हो गया, अब इसका एडजस्टमेंट दो जगह पर ट्रीटमेंट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, तो 2500 हम लिख दिए लाइबिलिटी में। अब बताइए 2500 के लाइबिलिटी में लिख दिए, तो आपको एसेट साइड भी 2500 लिखना होगा, है ना। अगर ये बात ना बोलकर अगर ये बात बोले कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी लिख दिए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्च होता है, तो उसको हम खर्च के भी नाम से लिख दिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500, बात बढ़ गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होता है कि बच्चा को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों यहाँ पर लिख रहे,
है ना। अब बैलेंस शीट इक्वल कैसे हो जाता है सर, है कि नहीं? आप तो ट्रीटमेंट कर दिए लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वहां पर क्यों गया, या फिर बाद में आता है कि सर कैसे इक्वल हो जाता है। ये तो जान ली कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा लाइबिलिटी हुआ यहाँ पर हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा खर्च हुआ वहाँ पर कर दिए, लेकिन एक दिमाग में एक बढ़िया से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप समझो, अब रिएक्ट करो कि देखिए बैलेंस यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500 लाइबिलिटी लिख दिए जी। अब हमको एसेट साइड भी क्या करना है, इक्वल करना है। अगर बैलेंस शीट को इक्वल करवाना है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हम 2500 इधर लिखे तो 2500 इधर भी लिखना है, एसेट साइड भी लिखना है बढ़ाने के लिए। आपके पास इक्वल करने के लिए दो ऑप्शन है, या फिर आप 2500 इधर ही घटा दो, या फिर 2500 आप एसेट साइड में लिख दो। ठीक है, तो 2500 हम क्या चेक किए, फिर इधर ही यहां पर लिख दिए डेबिट में, तो बताओ इधर फिर घट गया कि नहीं घट गया? घट गया ना, हो गया इक्वल। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा सोच सोच कर, अगर मान के चलो अगर आपका याद नहीं रहे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ करें, तो इतना तो दिमाग तो बनेगा ना कि अगर हम यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी एक जगह पे लिख दिए, है ना, या फिर मान के चलो आपको याद पड़ा आउटस्टैंडिंग सैलरी हम खर्च में लिख दिए, तो ये सोचेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हम यहाँ लिखें, अगर 2500 घट गया तो हमको 2500 घटाए हैं, तो 2500 हमको एसेट साइड भी उतना घटाना है कि नहीं? या फिर उतना उतना घटाओ, चाहे 2500 फिर इधर लिखो, तब ना इक्वल होगा। तो आपका दिमाग काम करेगा कि 2500 अगर हम इधर लिखे हैं तो लाइबिलिटी में भी 2500 इतना लिख देते आके, तो हो जाएगा इक्वल, है ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है एसेट साइड होता नहीं है। चलो ये पूरा हो गया, अब इसको जोड़ो जी, जोड़ो कितना आता है, 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5 और 1, घटा के बताओ, एक लाख 53,300। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पहले बताना है, 16,700। चलो ठीक है, 16,700, फिर इसी को यहाँ पर ले आना है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 16,700, फिर इसको टोटल ऐड करना है यहाँ पे 17,200, फिर इसको यहाँ पर ले आना है 17,200, और फिर निकाल देना है नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, माइनस करने पर करो, करिए माइनस 17,200 में माइनस करना है 2,500, 3,000, 15,000, 2,800, 6,500, 7,310, 1,350, 5,120 और 630 और 800 को माइनस करना है, कर दिया। हाँ क्या हुआ, हो सकता हो नेट लॉस आएगा जी, प्रॉफिट नहीं आएगा, इधर जोड़ो तब प्रॉफिट नहीं आएगा आप लोगों का, नो लॉस आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आएगा नहीं, इधर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इधर ज़्यादा हो जाएगा तो नेट लॉस आएगा। हाँ तो इधर जोड़िए, इधर जोड़ो कितना आता है, और इधर 17,200 को हटा देना, तो देखिए इधर अगर ज़्यादा रहता तो प्रॉफिट आता, इधर ज़्यादा है इधर कम है तो लॉस निकल जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है। जोड़ो 1, 0, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 11, है ना, 11 का 1 हाथ में 1, 8 और 1 9, 9, 6, 15, 16, है ना, और 16 और 3, 19, 20, 22, 27 और 30, 35, 35, 40, कितना
तो 45,010। अब इसको घटाइए, 45,010, ठीक है, 45,010 में माइनस करिए इसको, इसको कह देंगे नेट लॉस, ये आ जाएगा बैलेंसिंग 27,810। ठीक है, आंसर 27,810। अभी देखो यार, नेट प्रॉफिट आ गया, अगर नेट प्रॉफिट आता तो प्लस करते और नेट लॉस आ गया तो इसको माइनस कर देंगे, वो कितना है जी, 27,810। ये दोनों को 63,000 हो जाएगा, ये 60 और 3 63,000 और 27,810 को घटा दो, 35,190। अब इसको दोनों साइड जोड़ दो, 0 0 62,090, इधर जोड़िए 0 6 6 12 यानी 18 और 19 का 9, हाथ में 1 6 और 1 7 8 8 और 6 14 14 और 6 20 का 0, हाथ में 2 2 5 2 7 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1 2 और 1 3 3 और 3 6 यानी 62,090। तो दोनों साइड आप लोग का इक्वल आ गया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट वाला को इसी प्रकार से एंट्री करना है, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट बनाना है, मतलब कि अगर आपको पता है कि कौन, जैसे एसेट्स है तो एसेट्स में चल जाएगा, खर्च है तो खर्च में होगा, जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जो लिखा हुआ है उसको दो जगह पे ट्रीटमेंट करना है। कहाँ कहाँ पे दो जगह ट्रीटमेंट करना है, एक पहला आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में खर्च में लिखना है, और दूसरा जो डेबिट में ही आपका एसेट्स रहेगा वो चल जाएगा आपका एसेट साइड चल जाएगा। दूसरा ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में रहेगा उसको कहाँ पर लिखेंगे, एक आपका यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और लायबिलिटी वाला जो पोर्शन रहेगा वो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आप उसी तरीके से ट्रीटमेंट कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, खाली उसको वही जगह पर ट्रीटमेंट कर देना है। यदि एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट को आपको देख देख कर ट्रीटमेंट करना है, कौन कैसा जगह का है। जैसे आउटस्टैंडिंग अभी सैलरी था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए खर्च होता है तो उसको खर्च में डाल दिए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है तो उसको लायबिलिटी में लिख दिया। अगर इस तरीके से पता है कौन आइटम कहाँ होता है, तो जो भी हम रिएक्ट करके बता रहे थे कि दोनों साइड इक्वल करते जाना है, इक्वल करते जाना है सोच सोच कर, तो वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप सोच पाते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। उस तरीके से आपका 100% क्या है कि बैलेंस शीट इक्वल आएगा, ये कभी नहीं डर बना रहेगा कि मेरा इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और ये चीज़ तभी आपको मतलब एक तरह से क्लियर आएगा, मतलब आप तभी इस चीज़ को सोच पाएंगे जब आप पूरे तरीका से क्वेश्चन को बनाएंगे, या फिर शुरू से पढ़ना होगा, ठीक है, शुरू से समझना पड़ेगा एक एक आइटम के बारे में, तब इस चीज़ को सोच पाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप इतना एडजस्टमेंट को जान लिए तो निश्चित तौर पर देखो अगला वाला भी जो एंड आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक है, वहाँ पर भी इंटरेस्ट है। देखो अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक है, सेम एंट्री इसके जैसा हो जाएगा एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट है तो सेम इसके जैसा हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो इसके जैसा हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो सेम इसके जैसा हो जाएगा, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग मशीनरी पर है 2% लगाया हुआ है तो इसके जैसा हो जाएगा, बैड डेट हो तो फिर डेटर के जैसा हो जाएगा, है ना। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले वाला जो क्वेश्चन आएगा एडजस्टमेंट वाला आएगा, जितना एडजस्टमेंट बता दिए इसी प्रकार से आएगा। हो सकता है जिससे डेप्रिसिएशन लगाए फर्नीचर पर तो एक और मशीन पर डेप्रिसिएशन आएगा, जैसे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन अगर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन तो दोनों पर आएगा, और दोनों का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दिए तो ये कोई फिर बड़ा एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे हिसाब से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इस तरह का बनाना है, फिर ज़रूरत होगा तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप फाइनल अकाउंट का इतना तक आप कंप्लीट मानो कि आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए।